नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मौसम बहुत सुहाना है। मैं आज आपको एक विशेष स्थान पर लेके चल रहा हूँ। यह स्थान आया हुआ है गजू सागर की पहाड़ियों के अंदर। दोस्तों, पानी का महत्व और शासकीय काल में, यानी कि जो राजाओं का राज्य शासन हुआ करता था, उस समय पानी का महत्व और उसके लिए कौन कौन से जल संग्रह के तरीके अपनाए जाते थे, ठीक उसी कड़ी में मैं आज आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं पहाड़ों को काटकर बनाई गई वह सुरंग जो जैसलमेर में अपने आप में अद्भुत है। तो दोस्तों, ठीक यह गजरू सागर तालाब के पीछे की पहाड़ियां हैं। मैं इस पहाड़ियों के ऊपर आपको लेकर के आया हूं। इस पहाड़ियों को काट करके इसके अंदर से पानी को निकासी करके और गजरू सागर तालाब में किस तरह संग्रह किया जाता है, चूंकि सुरंग बहुत गहरी है और अंधेरा है, हम आपको उसके मुख्य द्वार तक लेकर के जाएंगे। ठीक अभी हम सुरंग के ऊपर छत पे हैं, यानी कि पहाड़ी के ऊपर है, और जो ये आपको नजारा हो रहा है यह हमारे कदमों तले सुरंग आई हुई है। मैं आगे से जो ये आपको नजारा साफ जो दिखा वही सुरंग का मुख्य द्वार था। यह वह तालाब है, इसमें उस सुरंग से पानी आता है। दोस्तों, तो मैं आज आपको यही सुरंग दिखाने के लिए इस गजरू सागर तालाब लेके आया हूं। यह जो सुरंग है बिल्कुल यह पहाड़ों को काट करके बनाई गई है। इसका मुख्य द्वार ठीक जिस तरह से हम किसी घर में प्रवेश करते हैं उसी तरह से बनाया गया है, लेकिन इसमें बहुत अंधेरा है। बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है जैसलमेर में देखने के लिए। शायद लोगों को यह जानकारी नहीं होगी, हमें जब जानकारी लगी तो हमने एक प्रयास किया। चूंकि हम इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत अंधेरा है, फिर भी हमारे कैमरे के द्वारा जो नजर आता है हम वह दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहाड़ों का पानी इस सुरंग के जरिए हम कह सकते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर यह सुरंग हो सकती है, चूंकि ऊपर से पहाड़ी का हिस्सा है और नीचे से पहाड़ी का हिस्सा है। मुख्य द्वार के पास पत्थर की हम कह सकते हैं और दिख भी रही है एक दीवार बनाई गई है दोनों तरफ, और इस दीवारों के सहारे इस फर्श से होकर के पानी सीधा अंदर की ओर जाता है। ठीक यह जो नजारा हो रहा है यह पीछे की पहाड़ियों की तरफ जा रहा है। इस पहाड़ियों के ऊपर से पानी इस रास्ते से इस बाएं हाथ को दीवार बनाकर इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इस मुहाने के जरिए इस सुरंग में प्रवेश करा करके और इस गजरू सागर तालाब में पानी को लाया जाता है। तो दोस्तों, आज मौसम बहुत सुहाना है, हमने आपको एक सुरंग दिखाई, कुछ और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।